नमस्कार, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान शिव का अवतरण हुआ था, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। एक मान्यता तो ये भी है कि आज ही के दिन माता पार्वती ने बड़ा तपस करके शिव जी को पाया था। तो आज के दिन आप सब लोग भी शिव के मंदिरों में गए होंगे, आज आपने उपवास रखा होगा, शिव की आराधना की होगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि असल में शिव कौन है? जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा क्या आप जानते हैं असल में शिव कौन है? क्या शिव जी एक वह पुरुष है जो गले में सांप लटकाए हुए, माथे पर चांद लगाए हुए विष पी रहे हैं? क्या यही शिव है या इसका और भी कुछ गाढ़ा अर्थ है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सारे मानव षड रिपुओं से, मद, माया, मोह, मत्सर, क्रोध इत्यादि रोगों से त्रस्त है। तो शिव जी ने क्या किया है कि शिव जी ने ये जो सारे विकार है इन पर विजय पा लिया है और इनको अपने गले में डाल के दिया है। जब ये विकार अपने बस में नहीं होते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो हमें डसते हैं, और डसने के कारण कई बार ये तो हमारे सर्वनाश का भी कारण होते हैं। लेकिन शिव जी ने इन पर विजय पाया है और अपने गले में माला बनकर इनको पहन लिया है, यानी कि शिव जी ने इन सब विकारों पर विजय पाया है। हमें भी उनसे यही सीख लेनी चाहिए कि हमारे भी विकारों पर हमें विजय पाना है। विकार हमेशा इतने बड़े ही ना हो, छोटे भी विकार ही होते हैं, जैसे कि मोबाइल की व्यसनाधीनता। हम सभी को आजकल मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, तो इस पर भी जब हम विजय पाएंगे तो हम भी इस विकार को अपने गले में हार की तरह पहनेंगे और हम उसको कंट्रोल करेंगे, ना कि वो हमें कंट्रोल करेगा। इसी अनुसार विष, शिव जी ने विष पिया, इसका मतलब क्या है? इसका भी बहुत गहरा मतलब है। विष यानी जीवन में आने वाली वो चुनौतियां, वो परिस्थितियां जिनके सामने कई बार हम घुटने टेक देते हैं, जिनके कारण हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर हमें लग जाता है, कई बार तो लोग अपने जीवन का अंत भी कर देते हैं। तो जब शिव जी ने विष पिया, इसका मतलब यह है कि शिव जी ने ये जो उनके जिंदगी में परिस्थितियां आई, जो कठिन प्रसंग आए, उनको ट्रांसफॉर्म कर लिया अच्छे प्रसंगों में। कैसे? ध्यान अवस्था में। अगर आप शिव जी की कोई भी तस्वीर देखोगे तो आपको उसमें यही दिखेगा कि शिव जी सदैव ध्यान में मग्न है। शिव जी को आद्य योगी भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी सबसे पहले योगी है जिन्होंने तपस शुरू किया। तो इस तपस से शिव जी ने क्या किया कि ये जो कठिन परिस्थितियां वो जिंदगी में आती है, ये जो विष समान कठिन परिस्थितियां जिंदगी में आती है, उनको भी अमृत में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हम भी यह कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन अगर हम रोजाना करेंगे, ध्यान हम रोजाना करेंगे, तो हमको भी जब भी ऐसे कठिन प्रसंगों से गुजरना पड़ेगा तो हम उनको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, उनका रूपांतरण कर पाएंगे। शिव जी ने सर पर चांद भी पहना हुआ है। चांद, आप तो जानते ही हैं कि चांद का और मन का बहुत ही गहरा संबंध है। चांद जैसे घटता और बढ़ता है, वैसे मानव की जो मनोस्थिति है वह भी बदलती रहती है, वो भी घटती और बढ़ती रहती है। कभी हम बहुत खुश रहते हैं, कभी हम बहुत गम में रहते हैं, कभी थोड़ा गम थोड़ी खुशी रहती है। तो ये सारी जो मनोअवस्थाएं हैं, इनको भी शिव जी ने अपने सर पर धारण कर लिया है, यानी कि उनका, उन मनोअवस्थाओं का, उन भाव अवस्थाओं का अब शिव जी पे कोई परिणाम नहीं होता है। चाहे चांद घटे, चाहे चांद बढ़े, चाहे मन बहुत प्रसन्न हो या मन दुखी हो, शिव जी हमेशा स्थितप्रज्ञ रहते हैं। तो हमें भी शिव जी के चरित्र से यही सीख मिलती है कि हमें भी ऐसे ही स्थितप्रज्ञ रहना है। मनोअवस्था कोई भी हो, उसको हमें थर्ड पार्टी बनकर दूर से देखना है, उनसे अटैच नहीं होना है, फिर चाहे वो मनोअवस्था खुशी की हो या गम की। शिव जी के सर के ऊपर से गंगा अवतरित हो रही है। हम सभी जानते हैं कि गंगा को हमेशा हम परम पवित्र समझते हैं। तो जब हम विकारों पे विजय पाते हैं, उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनते हैं और उन पर हमारा अमल रहता है, हम उनको कंट्रोल करते हैं, ना कि वो हमें कंट्रोल करते हैं। दूसरी अवस्था ये है कि जीवन के कठिन प्रसंगों को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, रूपांतरित करते हैं, और घटते बढ़ते मनोअवस्था के हम पर कोई भी जब परिणाम ना हो, और जब हम उनको चांद की भांति अपने सर पर पहना लेते हैं, तब
सबसे पवित्र कॉन्शियसनेस की गंगा बहने लगती है और हम नित्य आनंद में, चिरानंद में उसमें स्नान करते हैं। तो आज की शिवरात्रि आप सभी को अपने विकारों पर विजय पाने में मददगार साबित हो। आपके जीवन में जो कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं उनको बदलने में, उनका रूपांतरण करने में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने के में आपको शक्ति दे और आपकी मनोअवस्था का आप पर कोई भी परिणाम ना हो। आप उनको त्रस्त पार्टी, थर्ड पार्टी बन के देखें जिससे कि आपके जीवन में खुशी की और कॉन्शियसनेस की गंगा सदैव बहती रहे। यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं होंगी। ओम नमः शिवाय।